जय गुरु जी। हम सब में इतनी क्षमता कहाँ कि गुरु जी का सत्संग उस खूबसूरती के साथ कर सके जिस खूबसूरती से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। कभी मतलब खेल खेल में पता भी नहीं चलता कि वो कैसे लाइफ भी बख्श देते हैं और कितने कितने कल्याण कर देते हैं बिना जतलाए। तो गुरु जी का लाखों बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, हर पल हर सांस से शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का, ये मौका देने का, सत्संग करने का, और मतलब अनगिनत बातों के लिए शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के आश्रम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सेवादार हैं, उन सबका भी बहुत शुक्राना ये मौका देने का। और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सारी संगत को भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए। मेरी जर्नी काफी लंबी है 2011 से, और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद तो हर दिन हर पल सत्संग ही होते हैं। सिर्फ हमें कई बार समझ आते हैं, कई बार बहुत लेट समझ आते हैं। तो एक नितिश अंकल हैं जिन्होंने हमें गुरु जी के साथ जोड़ा, और पहले दिन ही हमारे घर लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ भी आ गया था और गुरु जी का स्वरूप भी आया था। लेकिन जैसे हम हैं उसको इग्नोर कर दिया, आई एम सॉरी। और उसके लेकिन 2-3 हफ्ते बाद फिर गुरु जी के पास मंदिर जाना हुआ, और जब वो अंकल हमें लेके जा रहे थे गुरु जी के मंदिर, तब उन्होंने रास्ते में ही हमें गुरु जी के बारे में थोड़ा सा बताया, और ये भी बताया कि फ्रेग्रेंस आती है कैसे। तो जब मैं गई 2011 में तो रश भी नहीं होता था, और मंडे का दिन था, हम गए मंदिर, तो वहां पर चाय प्रसाद समोसा प्रसाद लेकर मैं जा रही थी झूले और कुटिया के पास। वहां पर कोई भी फ्लावर्स नहीं थे, पर फिर भी मुझे बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आई रोजेस की। तो जैसे अंकल ने बताया था तो मैं भी बहुत खुश हो गई, और मैंने उनसे कहा कि मुझे तो फ्रेग्रेंस आ रही है। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी आजकल नई संगत को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो सोचिए 2011 में ये कड़वी भी बात, और आज हम देख रहे हैं दुनिया भर में गुरुजी का कितना बोलबाला, सुबह शाम हर सोशल मीडिया में, चाहे गाड़ियों में, ट्रैफिक में, हर जगह में गुरुजी ही दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं। उनके शब्द, उनकी स्वरूप, घर में दिन रात उठते बैठते, मतलब ये सबसे बड़ी दात है गुरु जी की कि उन्होंने हमें सिमरन, सत्संग, सेवा बख्शी, और गुरु जी भगवान से प्यार करना सिखाया। और इसलिए हम लोग हमेशा ही गुरु जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जो कि बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि इससे सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। गुरु जी ने बहुत प्यार प्यार से हमें इतने अच्छे रास्ते पे डाला कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है, और यह इतना सिंपल तरीके से गुरु जी ने इतने प्यार से सब कुछ कर दिया। तो उनका शुक्राना जितना करें उतना ही कम है। मुझे ये लाइन्स याद आ रही है, वो है जग आसमानी जिती दुनिया दीवानी, ओदे जिहा नहीं जहां विच देखिया मैनू जान तो भी प्यारा। और उनके मतलब इतने मीठे मीठे बोल, रेंदा रब ओदे कोल। तो ये मेरे गुरु जी हैं, मतलब हमारे पास कहां वो शब्द इतने प्यारे जो हम गुरु जी की उस्तत कर सके। तो जब वो फ्रेग्रेंस आई मुझे रोजेस की, तो मैंने खुश तो मैं बहुत थी, बट मैंने मन में सोचा, क्योंकि वो फर्स्ट डे ही था, इतना कुछ पता भी नहीं था, तो मैं सोचा कि कहीं ऑटोमेटिकली मतलब ये थॉट्स आ जाती हैं हमारे नेगेटिव माइंड्स में, तो मैंने सोचा कि शायद किसी ने इत्र डाल दिया होगा। और फिर हम घर आ गए, मैंने ये किसी को जाहिर नहीं किया, कुछ बताया नहीं कि मैंने क्या सोचा। और घर आकर मैं इतनी खुश थी, तो ग्रंथ तो था ही ऑलरेडी घर पे, तो मैंने उसको ढूंढ के और पढ़ने बैठ गई रात को आफ्टर डिनर अराउंड 10:30।
तो जब मैं पढ़ रही थी तो 5-7 मिनट हुए होंगे लाइट ऑफ डिविनिटी खोल के पढ़ रही थी, तो इतने में फ्रेग्रेंस मेरे सामने आई, रोजेस की सेम फ्रेग्रेंस, और साथ में टेलीपैथिकली गुरु जी का इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी थी कि कहने लगे कि अच्छा वहां तो किसी ने इतना डाला था, अपने घर में भी तुमने डाला है। तो माई गॉड, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू थिंक दैट वे। और वहां से जर्नी शुरू हुई, गूज बम्स आ गए कि हाँ ये तो है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2-2.5 साल लगे, अप एंड डाउन होता रहा विश्वास, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है कि रब हमारे इतने करीब है और हर चीज सुनते हैं, हर चीज समझते हैं, एक माइन्यूटेस्ट थॉट हमारी पकड़ लेते हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी एंड इट टुक मी सम टाइम, बट आज तो हम टोटली गुरु जी के ही हैं। और उसके बाद गुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि 3 हफ्ते तो कंटिन्यूअसली हम लोग 5-6 दिन हफ्ते में गुरु जी के लंगर ही खा रहे होते थे, या मंदिर में होते थे या सत्संग में होते थे। तो गुरु जी ने वो इंटेंस ब्लेसिंग्स देके, फिर मेरा एक बहुत पुराना सर्वाइकल और स्पॉन्डिलोसिस था जो गुरु जी ने क्योर कर दिया। मतलब रात को कोई वाइब्रेशंस भेजी जो कि मेरे लिए बहुत नई एक्सपीरियंस था और मुझे समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एंड लेटर ऑन कुछ दिनों बाद जब मैं किसी सत्संग में गई, तब मुझे किसी अंकल ने बोल वो अपना सत्संग सुना रहे थे और उन्होंने कहा कि गुरु जी रात को 2:30 बजे आते हैं, समथिंग लाइक दैट ही वाज सेइंग, और उन्होंने मेरा बैकएक क्योर किया। तो वही मेरे को स्ट्राइक किया एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि हाँ मेरा तो बैकएक नहीं है। और मैं कहाँ पर 3-3 दिन तक बेडरिडन रहती थी, चक्कर आते थे सर्वाइकल और स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, कॉलर भी लगता था, बेल्ट भी पहनती थी, और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कहा था कि कभी तेज भी वॉक मत करना, बट वो सब गुरुजी ने क्योर कर दिया और आई वॉज फ्री। मैं वॉक्स भी करती थी, मॉर्निंग वॉक्स भी एंड जिमिंग भी करने लगी, और सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। उसके बाद बहुत प्यारी प्यारी चीजें हुई, जैसे कि हमारे घर में पीकॉक्स आ गए जो कभी नहीं आए थे, कि घंटा पीकॉक, उसकी फोटोग्राफ्स भी हमने खींची। फिर गुरुजी ने मंदिर में भी सेवा बख्शी, और वो भी हर दिन, हर बार जब सेवा पे जाओ तो ओम के दर्शन होना, जितने भी मन में डाउट्स होते थे कि ये कैसे होता है, ओम कैसे बन जाते हैं, तो वो सब गुरुजी ने क्लियर कराया कि ये कोई नहीं बनाता, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। और ऐसे ही एक बार मेरा बर्थडे था और सेवा का भी दिन था, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, प्लीज ब्लेस करना। और उस दिन जितनी भी चपातियां मशीन से ही बन रही थी और हम लोग घी लगा रहे थे, लेकिन सब में मेरे को गुरुजी ने ओम दर्शन कराए। और जब मैंने किसी एक आंटी से भी शेयर की ये बात कि आज तो बहुत ओम के दर्शन हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे भी हो रहे हैं। तो मतलब वो तो झोलियां भरते हैं और ऐसे लुटाते हैं अपनी रहमत और मेहर के, बस पूछिए ही मत। और झूला झूला भी मैंने मतलब अपने आप खिलते हुए देखा है, वो भी दर्शन। और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे कि कभी बारिश हुई और शाम को अगर आप लाइट्स ऑन होती हैं मंदिर में और आप पत्तों को देखते हैं, वहां पर बूंदे बिल्कुल सब जैसे डायमंड्स की तरह चमक रहे हो, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग इस अर्थ पे, हेवनली फीलिंग आती है, पूरी शिवपुरी है। इनफैक्ट एक बार इतना सुंदर मुझे याद आ रहा है कि जैसे कि ना वाटर ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें जैसे कि सस्पेंडेड हो पूरी मंदिर के ऊपर। हम मंदिर के अंदर थे और दोपहर का टाइम था, 3-4 बजे, तो ऐसे लग रहा था अमृत वर्षा, यू नो इट वाज मोस्ट हेवनली। ऐसा माहौल मैंने तो कभी कहीं और नहीं देखा था। तो इतने सुंदर हमारे गुरुजी, हर चीज में उनकी फ्रेग्रेंस सेवा करते वक्त भी आ जाती है, कभी शब्द सुनते वक्त भी आ जाती है। और हॉल में बैठे हुए एक बार तो गुरुजी के जो सामने वो है रग जो है, उसमें जहां पे हम माथा टेकते हैं, वहां पर एक छोटी सी तितली थी, वो उड़ के फिर मेरे हाथ पर आ गई। मैं बिल्कुल आगे ही बैठी थी और हाथ के ऊपर वो 10-15 मिनट तक घूमती रही। तो ऐसे इतनी ब्यूटीफुल, फिर उड़ के वापस वहां गई, फिर गुरुजी की गद्दी पर, फिर पीछे चली गई, लाइट बिल्कुल
तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि इंसान सोचता ही रह जाता है, लेकिन वो खुश भी बड़ी कर देती है, आपको इतना खुश कर देती है और वो मेमोरीज भी रह जाती है हमेशा के लिए, उन चीजों को सोच के आप इतने खुश हो जाते हो। तो ऐसे चलता रहा, और भी बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनको समझाया भी नहीं जा सकता। तो गुरुजी ने मतलब बता दिया कि यू आर नॉट इन एन ऑर्डिनरी प्लेस, ये आप शिवपुरी ही है जो आज हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और पहले जब हम शुरू कर रहे थे जर्नी, तब वी वर ऑल स्टिल वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है, बट आज इतने करोड़ों सत्संग इतने प्लेटफॉर्म्स पे और क्या क्या नहीं, तो एवरीबडी आई एम श्योर इज कन्विंस्ड कि हम रब के पास ही हैं, उनकी शरण में ही हैं और उनका बहुत बहुत शुक्राना है। तो एक मैं और सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी ने, हमें नहीं पता था कि कोई नेगेटिविटी है या कोई हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इस जमाने में भी लोग ब्लैक मैजिक ऐसी चीजें करते हैं, पर ये हुआ हमारे साथ, जो कि मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया, बहुत सालों के बाद समझ आया, वो भी कोई सत्संग सुना रहे थे तब। तो हुआ ऐसा था कि गुरुजी ड्रीम में, गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि, मतलब मैंने देखा उनको हमारे घर में मंत्र पढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैं सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद गुरुजी जैसे बाहर मुझे दिखते हैं, अपने घर के बाहर हमारे मदर डेयरी थी तो वहां पर गुरुजी खड़े हैं, बहुत टॉल और टोटली ऊपर से नीचे तक ब्लैक, और उनके आसपास भी लोग खड़े हैं। तो मैं बहुत हैरान हो गई और मैंने देखा गुरुजी, आई वाज शॉक्ड कि गुरुजी को क्या हो गया। तो इतना ड्रीम था, और नेक्स्ट डे फिर मैंने संगत आंटी से पूछा कि ये ड्रीम आया है, हम तब बहुत नए नए थे, तब आंटी ने बताया कि ये आप सत्संग ही करें, सत्संग का ही हिंट है गुरुजी कह रहे हैं, तो और कोई गुरुजी तो हमेशा कल्याण ही करते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने नेगेटिविटी काटी है। तो कैसे देखिए एंडोर्समेंट होती है उसी बात की, कि फिर हमने सत्संग रखा और सत्संग से दो दिन पहले जहां गुरुजी खड़े थे उस उधर ही एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मर था जिसमें आग लग गई, तो इतनी मेजर आग थी कि फायर ब्रिगेड भी आई और उसको, फायर ब्रिगेड को भी कम से कम एक घंटा लगा उसको डाउज करने में। तो खैर कनेक्शन हमारा डायरेक्ट हो गया और सत्संग हुआ, पुरानी संगत ही उन दिनों 2012 की बात है तो आए थे काफी सारे पुरानी संगत, और बहुत अच्छा रहा, और सबने यही कहा कि गुरुजी ने सिर्फ आपके नहीं आसपास के भी लोगों का कोई मेजर कष्ट काटा होगा, तो क्योंकि वो ब्लैक भी दिखे और उसी जगह पर वो फायर भी और सब। तो कभी हमें पता ही नहीं चला कि क्या गुरुजी ने काट दिया और क्या मुश्किल थी, बट गुरुजी जानी जान सब कुछ देखते हैं, जब हमें सब कुछ पता होने की जरूरत ना तो है और ना ही हमारी कैपेबिलिटी क्या हमें पता हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पर गुरुजी सब जानते हैं, मतलब भले बुरे की पीर पहचाने, हर चीज वो ही जानते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनके ऊपर पूरा विश्वास रखने में ही समझदारी है, उनके ऊपर सरेंडर करने में ही, यही गुरुजी ने सिखाया कि सरेंडर करो और ज्यादा अपना स्यानप मत दिखाओ। तो इस चीजों के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का। और एक बार बहुत ही प्यारा, मतलब गुरुजी की जो टेलीपैथी की जो एक तरीके से मुझे अब ऐसा लगता है जैसे कि वो ट्रेनिंग थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें गुरुजी के साथ हुई और लास्ट में जो अभी मेरे साथ लेटेस्ट एक साल हुआ है कि मुझे गुरुजी ने नई लाइफ दी, कोरोना से मैं बहुत सीरियसली बीमार थी एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 1 month, तो उसका मैं बताती हूँ, बट उससे पहले मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताती हूँ कैसे वो टेलीपैथी से गुरुजी बात करते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता था कि हमारा माइंड चल रहा है या गुरुजी कह रहे हैं। तो धीरे धीरे गुरुजी ने बताया कि तुम नहीं हो वो मैं ही हूं, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि वो ही कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि दिवाली का दिन था और हम लोग पूजा कर रहे थे, जो कि चलती है अराउंड 1.5 or 2 घंटे तक शायद पूजा चलती है, कथा और सब कुछ। तो इतने में गुरुजी ने मेरी बेटी को टेलीपैथी के लिए कहा, उन्हीं का ही स्वरूप था, हम शिव परिवार की ही पूजा करते हैं, तो उन्होंने टेलीपैथी के लिए कहा कि तेरी माँ का सॉलिटेयर आज मंदिर में गिरेगा। तो उसने भी, बच्चों को भी बहुत ज्यादा गुरुजी से अटैचमेंट है, तो उन्होंने भी कहा गुरुजी जैसे आपकी
इच्छा जैसे आपकी मर्जी। और उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे, क्योंकि हम लोग पूजा में थे, डिस्टर्ब भी नहीं किया। और उसकी पूजा करने के बाद जब हम कैंडल्स जला रहे थे, दिए जला रहे थे, तो उसका माइंड गुरुजी ने ब्लैंक कर दिया, शी फॉरगॉट। उसने नहीं मुझे बताया नहीं कि गुरुजी ने उसको क्या बोला है। तो उसके बाद वो मंदिर डे था और हम मंदिर चले गए। उसको पूरे रास्ते में भी, जो कि ऑलमोस्ट एक घंटे की ड्राइव होती है, उसको कुछ याद नहीं आया। और मंदिर में जाकर हम बैठ के शब्द सुन रहे थे, हॉल में बैठे थे जहां अभी पिंक गुरुजी का स्वरूप है, उधर दीवार के अगेंस्ट टेक लेके हम बैठे हुए थे। और इतने में अनाउंसमेंट हुई कि अभी आरती होगी और सब लोग बैठे रहे, जिनको बुलाया जाएगा वही आरती करेंगे। तो हम बैठ के क्लैप कर रहे थे, तब मेरी बेटी की नजर, जो मेरे से उस साइड पे बैठी थी, तो उसका नजर गई मेरी फिंगर पर जहां पर वो डायमंड था। तो वो नहीं था उस टाइम, तो उसने मेरे को पॉइंट आउट किया आरती के बीच में कि देखो। और मैंने साड़ी पहनी हुई थी, नीचे बैठे थे हम, डार्क कलर की साड़ी थी, तो मैंने देखा अरे रिंग में तो डायमंड है, नीचे देखा तो वो मेरी गोदी में ही था, तो मैंने उसको उठा लिया। तब तक तो नहीं पता था कि क्या है, बाद में उसने रास्ते में फिर वापसी पे बताया सारी बात कि गुरुजी ने उससे कह दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा कल्याण भी था, हमें नहीं पता कि गुरुजी ने क्या उसमें काटा नहीं काटा। तो ऐसे हमारे गुरुजी, और साथ में भी कि टेलीपैथी की, जो वो कह देते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता। वो उन्होंने अगर कह दिया, क्योंकि अगर उसको याद होता तो हम लोग, कोशिश यही होती हमारी कि हम रिंग को उतार देते, तो ये तो गुरुजी ने वो नहीं होने दिया। सो दैट्स हाउ, मतलब जो भी हमारे मन में धीरे धीरे, मेरे मन में उन दिनों डाउट्स होते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो इन तरीके से, क्योंकि मैं जितना भी सोचती थी इस सत्संग के बारे में, मैं सोचती थी नहीं कोई हिप्नोटिस्ट नहीं हो सकते, ये कोई तांत्रिक को नहीं पता हो सकता, कि जो आपको भी नहीं पता, जो आप रिंग पहन रहे हो कि आपके डायमंड हिल रहा है या गिरने वाला है, वो तो सिर्फ रब ही है। तो कहने का मतलब है, ये देखिए कितने ग्रेट है हमारे गुरुजी, कि हमारे माइंड उनको पता है, एक तरीके से कस्टमाइज्ड सत्संग भी वो हमें एक्सपीरियंस कराते हैं, ताकि हमारा विश्वास बन जाए। और अब शर्म भी आती है कहते हुए कि हम, हमारे रब को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमारे साथ। तो शुक्राना महाराज। उसके बाद एक बार, अभी कुछ टाइम पहले, जब मैं रिकवर कर रही थी कोरोना से, तो मैं काफी रेस्ट करती थी, तो उन दिनों मुझे बैठे बैठे साईं बाबा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हम लोग साईं बाबा से के भक्त थे, गुरुजी से मिलने से पहले साईं बाबा, माता रानी जैसे हम सभी होते हैं। तो मैं याद कर रही थी गुरुजी का, सत्संग के थ्रू हमें पता लगा था कि गुरुजी कहते थे अलग अलग जगह पर मत जाओ, एक पर ही विश्वास करो। तो जब मुझे ये बात समझ आई, तो मैंने एक बार सोचा कि शिरडी जाना चाहिए और साईं बाबा का शुक्राना करना चाहिए। तो मैं गई और वहां जाके मैंने उनको बहुत थैंक्स बोला कि आपके साथ जर्नी इतनी सुंदर रही है, और जो भी, वो तो सब जानते ही हैं हमारी फीलिंग्स, क्या हम कहना चाह रहे थे। और वापसी पे जब टैक्सी से वापस आ रहे थे, तो बहुत रोना आया, जैसे कि कोई किसी की विदाई हो रही होती है, तो उस तरीके से मैं बहुत रोई थी। तो उस दिन बैठे बैठे मुझे वही याद आ रहे थे दिन, कैसे हम गई थी मैं, कैसे रोना आया था। And you won't believe it, संगत जी, देखिए आज भी गुरुजी सब चीजों की बात सुनते हैं, आपकी जवाब देते हैं। मतलब कितना कमाल है कि मेरी गाड़ी में एक स्वरूप है छोटा सा गुरुजी का, उसमें जब मैं बैठी तो देखा उस स्वरूप में साईं बाबा की फोटो बन गई, वो आज तक है। बहुत सारे संगत ने देखा हुआ है, मेरे व्हाट्सएप पे भी वो फोटोग्राफ है, कि गुरुजी कह रहे हैं कि साईं बाबा मेरे ही अंदर ही हैं, तो तुमने कुछ नहीं, मतलब तुम गुरु को जब माथा टेकते हो, तो तुम सारे देवी देवताओं को माथा टेकते हो, सब मेरे अंदर ही हैं। और जो हमारी गलतियां होती हैं, हम पूजा में कभी कुछ गलती करते हैं, तो वो गुरुजी संभाल लेते हैं। तो इसलिए कितने बड़े हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हमारे गुरुजी, थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल दीज थिंग्स, जितना भी आपने हमें समझाया सिखाया, और मतलब कि क्या बताएं, वी डोंट हैव इनफ वर्ड्स। और एक बार मतलब जो हम पुरानी संगत से सुनते थे ना, कि पेट्रोल, वो हमने भी नोटिस किया कि जाते हैं मंदिर में, पर सुई कभी भी
पेट्रोल की कमी होती, कितनी बार ऐसा होता है, मतलब नॉट हमेशा बट बहुत बार ऐसा भी होता था। और डिस्टेंसेस मैंने छोटे होते हुए देखे हैं, मतलब मेरी बेटी भी कभी सत्संग सुनाएगी तो वहां पर ओखला से मंदिर तक आने में इट इज इम्पॉसिबल कि कोई पीक आवर्स में शाम के ऑफिस आवर्स में 20 मिनट में पहुंच जाए। तो वो भी गुरुजी का देखा है हमने कि कितने डिस्टेंसेस शॉर्ट कर देते हैं। एक बार हम लोग सेवा पे जाना था सुबह, तो दिन लेट हो गए और जैसे निकले टाइम देखा मैंने, तो मैंने कहा बाप रे गुरुजी आई एम सो सॉरी बहुत लेट हो गए, आज तो डांट पड़ेगी। और आप मानेंगे संगत जी, जब हम मंदिर के गेट पर पहुंचे मैंने टाइम देखा, सिर्फ 20 मिनट्स ही में हम पहुंच गए थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आई डोंट नो कैसे 20 मिनट में, अभी भी हम कोशिश करें तो 20 मिनट्स में, जब तक गुरुजी ना चाहे हम वो जो 45 मिनट्स का 50 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट्स में कैसे कवर कर जाते हैं हमें नहीं पता। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। एक बार मुझे लेट हो गई थी मैं, तो आ रही थी, तो मैं अपने मन में बहुत, मेरे को बहुत शब्द अच्छे लगते हैं और गुरुजी से एक तरीके से कन्वर्सेशन होती रहती है, ऐसा लगता है बहुत सारी बातों के जवाब मिल रहे हैं। तो मैं जब लेट पहुंच रही थी तो मैं मन में सोच रही थी कितने सारे शब्द मिस हो गए आज मेरे, कैसा हो गया, यू नो आई वाज कंप्लेनिंग विद इन माई सेल्फ कैसा क्यों हुआ। और इतने में जब मैं पहुंची गुरुजी के मंदिर और हॉल में, तो जैसे माथा टेका, आप मानेंगे नहीं कि कोई सेवादार वहां पे, मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और बीच में इतनी सी जगह बन गई हॉल के अंदर जहाँ पे कोई नहीं था आपको कहने वाला कि आप आगे जाओ पीछे जाओ, चुपचाप वहां पे मैं बैठ गई। और उसके बाद गुरुजी ने एक ऐसा शब्द सुनाया जो कि मुझे ऐसा लगा कि इटर्निटी है, मतलब कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो जो भी मेरे को लग रहा था कि मैंने एक डेढ़ घंटा लेट आई हूं और मैंने मिस कर दिया, वो एक ही शब्द में मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो उन्होंने एक ही शब्द में मुझे जैसे कि पूरा तृप्त कर दिया। और सर्दी के भी दिन थे, वहां बहुत ठंडी हवा आ रही थी और सडनली मुझे वहां पर बहुत ही वार्म ऐसे लगा जैसे गुरुजी पास आए हैं। तो ऐसे हैं गुरुजी, मतलब क्या इन एक्सपीरियंसेस को हम बयान कर सकते हैं या इनकी कोई कीमत है? नहीं, सिर्फ यही कि हमें रब मिल गए गुरु के फॉर्म में और गुरुजी ने हमें रब से मिलवा दिया। तो कितना शुक्राना करें हम महाराज का, हर चीज वो सुनते हैं, हर चीज को कैसे, उनके लिए हर चीज बहुत सिंपल है, वो कैसे भी आपको ब्लेस कर देंगे और आपको खुश कर देते हैं। ऐसे ही एक बार हम लोग, हर संडे को सेवा होती थी तो हॉल में बैठने का टाइम नहीं मिलता था, तो एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं थर्सडे को जाऊंगी मंदिर क्योंकि गुरु जी के पास बस हॉल में बैठूंगी। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पहुंच भी गई और फिर जब लंगर का भी टाइम जल्दी आ गया और लंगर के बाद वो कहने लगे जाओ, तो मेरा तो मन नहीं था, मेरे को लग रहा था कि लास्ट तक मुझे सारे शब्द सुनने। तो मैं ना बिल्कुल ही गेट के पास जो लास्ट संगत जहां बैठती है कार्पेट्स के ऊपर, मैं वहां लंगर करने के बाद वहां चली गई कि धीरे धीरे ये लोग खिसकते जाएंगे आगे और मुझे चांस मिलता जाएगा सुनने का। तो इतने में गुरुजी टेलीपैथी के लिए कहते हैं चलो उठो पिक्चर खत्म। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको इग्नोर किया कि क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। तो मैंने इतने में फिर से गुरुजी कहते हैं चलो, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता ये आप बोल रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ, तो आई वॉज ट्राइंग टू बी स्मार्ट कि भी मेरे को ना जाना पड़े। इतने में गुरुजी कहते हैं तुम सोचने के काबिल हो भी, सो आई न्यू कि गुरुजी सिर्फ तीन बार कहते हैं और उनकी बात नहीं मानो तो इट्स नॉट गुड। सो आई क्विकली गॉट अप, मैं उठ के फिर चली गई और बस कार में, कार के पास पहुंची तो वहां पर संगत मिल गई जिनको हमने छतरपुर तक ड्रॉप किया और रास्ते में सत्संग करते हुए गए। तो ये गुरुजी ने सेवा बख्शी और सत्संग भी कराए, तो किसका कल्याण कैसे क्या क्या वही जानी जान महाराज हमारे। ऐसे ही टेलीपैथी की बात एक और बताती हूँ, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक बार मैं आ रही थी थर्सडे को जब, तो गुरुजी को भी पता है कि ये लोग 2011 से जुड़े हैं, तब इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, इतनी संगत नहीं होती थी,
भागते भागते अंदर चले जाते थे हॉल में, और जितने मर्जी टाइम तक बैठते थे, बहुत ऐश करी है हमने और गुरुजी ने करवाई है। तो अब जब ये इतनी संगत बढ़ गई तो पार्किंग के इश्यूज, तो उनको पता था कि ये चलने की भी थोड़ी सी कतराती है और पार्किंग का भी इसको सोचना पड़ता है। तो उस दिन मैं कुछ बैंक्वेट हॉल से तिवोली से आगे वहां पर थी, गाड़ी चला रही थी, तो गुरुजी ने टेलीपैथिकली कहा तू सीधे अंदर आ जाए। तो मैं अगेन आई वाज शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं गुरुजी को, और गुरुजी कह रहे मैं चुप रही। फिर मेरी बेटी के साथ में फिर थोड़ी देर आगे गए, फिर गुरुजी ने सेम बात की तू सीधे अंदर आए मेरे को। तो मैंने फिर बताया कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। शी ऑल्सो केप्ट क्वाइट कि हमें नहीं पता कि मतलब कैसे सीधे अंदर आएंगे ना। तो खैर जब हम टी पॉइंट पे पहुंचे तो वो अंकल्स थे सेवादार, वो तो आगे भेजना चाह रहे थे, और मैंने उनको इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, तो इतने में वो तीन अंकल मुड़ गए और पूरा रास्ता खुल गया। और क्योंकि हमें गुरुजी का हुक्म था, ये गुरुजी की ही लीला समझकर हम सीधे अंदर चले गए। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, द सत्संग डजंट एंड हियर। हुआ क्या कि वहां पे ना वाइंडिंग लाइंस होती थी थर्सडे को, तो कोई भी हमें नहीं जानता था, फिर भी वो अंकल जहां भी हम जाए उनके आंटी यहां से आ जाओ, तो लाइन तोड़ तोड़ के हमें सीधे मतलब शिव जी के ना फिर झूले के पास, ना ही न कुटिया के पास, कहीं पर भी नहीं जाने दिया, ऐसा कुछ गुरुजी ने किया। और वो सब जो भी ये जो वो होते हैं ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं उनको खोल खोल के सीधे गुरुजी के पास हम जाके माथा टेका। एंड माय डॉटर सब हम लोगों के तो मतलब एकदम ही हैरान कि ये कैसे हो जाता है। तो ये सब महाराज की मुझे ऑब्वियसली बहुत ब्लेसिंग्स होंगी, और क्या वो करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि आई एम टोटली इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, तो मत सोच कुछ भी, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो उनकी टेलीपैथी को समझने शुरू हो गए, उनके ऊपर पूरा विश्वास करना शुरू हो गया। और ये देखिए कैसे काम आया हमारे अभी लाइफ जो मुझे मिली है, मैं उसके बारे में बताती हूँ कि 2020 की बात है। मेरी बेटी को 17th अक्टूबर को गुरुजी ने दर्शन दिए सपने में, और उसको बोला कि तू मेरे को 21 मई नु आए। तो गुरुजी का हुक्म हम सीख चुके थे अब तक कि उनकी सारी बातें माननी ही होती हैं। तो ई पासेस खुले थे और वो नहीं गई क्योंकि उसको गुरुजी का हुक्म नहीं था, और हम लोग जाते रहे मंदिर सारे फेस्टिवल्स, दिवाली भी, न्यू ईयर और शिवरात्रि, इन सब में हम, और उसके अलावा भी हम जाते रहे मंदिर ई पास लेके, और गुरु जी के दर्शन भी और लंगर खाते रहे। फिर आ गया सेकेंड वेव 21 में, जब अप्रैल आया तो उस मंदिर फिर से ही बंद था। वैसे ही बैठ के मैं गुरु जी से बातें कर रही थी टेलीपैथिकली कि गुरु जी कितने अच्छे दिन थे सेवा के, सारे फेस्टिवल्स हम कितने दिन पहले से हम सेवा करते थे और कितना मजा आता था, और कब सब कुछ ठीक होगा। तो गुरुजी की टेलीपैथी में कहते हैं अच्छा चलो फिर हो जाए सत्संग। मैंने कहा हां जी गुरुजी, और हमने फिर बैसाखी का घर में सत्संग रखा, किसी को तो बुला नहीं सकते थे, सेकेंड वेव वॉज एट इट्स पीक। तो हम तीनों ने गद्दी सजाई और हम बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। इतने में एक दो शब्द चले थे तो गुरुजी आए, और उन्होंने आके कहा बैठे और कहने लगे मुझे टेलीपैथिकली कि मैंने बुलांदी रहती है, हूं मैं आ गया हूँ माथा टेक। मैंने फटाफट माथा टेका और बच्चों को भी इशारा किया, उन्होंने भी माथा टेका। फिर गुरुजी कहने लगे अच्छा मेरे चरण दबा। तो ऑब्वियसली मुझे नजर नहीं आ रहे गुरुजी, तो मैंने जो उन्होंने ही मुझे थॉट दी मैंने अपने ही चरण आगे किया और गुरुजी से कहा गुरुजी जियो पिंड सब आपका। और उसी फीलिंग से कि हमारा तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आपका ही है, तो चरण दबाए मैंने, वही सेवा की। और उसके बाद तो जब गुरुजी आते हैं तो आपको पता ही है कोई भी नई बात नहीं है, सबके साथ क्या होता है कि कैसे आंसू भी बिना दुख के आंसू आते हैं, वो गुरुजी की ही क्लेंजिंग है या जो भी उनकी दात है। तो वो आने लगे और हमारे घर में जैसे बीच में ना अमृत भी आया था, तो मैं उस जगह पर देखने लगी कि क्या अमृत भी आया है। एंड गुरुजी तो जाने जान सब थॉट इमीडिएटली मुझसे कहते हैं कि
क्या देख रही है, ये जो बह रहे हैं ये क्या है, यू नो आई एम सेइंग कि मैं आया हूँ, आई एम हियर, सो डोंट डाउट। तो ऐसे है हम भी और गुरु जी की मतलब क्या कुछ शब्द है ही नहीं कैसे। फिर पूरा सत्संग बहुत प्यार से उनकी आरती उतारी, सब कुछ किया, भोग लगाया और हम लोग बहुत खुश। तो उसके कुछ फिर शायद 7-8 दिन के बाद से फिर मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और मेरा हेडेक बहुत सिवियर था। मैंने वैक्सीनेशन नहीं ली थी कोरोना की और ये क्योंकि मेरी स्मेल और टेस्ट बिल्कुल ठीक था तो मुझे बिल्कुल किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोरोना हो सकता है। और इसकी वजह से इसी निग्लेक्ट की टेस्ट नहीं करवाया तो वो थोड़ा बढ़ता गया और दोनों बेटियों को भी मेरी वजह से कोरोना हो गया। तो इससे पहले कि हमें रियलाइज होता कि हमको कोविड हो रहा है, मेरा हेडेक इतना बढ़ रहा था। तो फिर डॉक्टर से ऑनलाइन बात की, उन्होंने कहा फाइनली दवाइयां अगर असर नहीं कर रही तो आप आके MRI कराइए। तो मेदांता में जाके MRI कराया, वो सब क्लियर था। उस डॉक्टर को भी नहीं लगा कि मैं इनको बोलूं कि आप कोविड टेस्ट करा लो क्योंकि ऐसे लग ही रहा था कि सिम्टम्स कोविड के हैं, कोई टेम्परेचर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बस फिर वो जो होना होता है शायद, और घर में आ गई। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब होने लग गई, आई स्टार्टेड लूजिंग कॉन्शियसनेस। तो 2 दिन बहुत सेमी कॉन्शियसनेस में ही मैं रही और बच्चों ने बहुत पैनिक किया। फिर लकीली हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल था तो ऑक्सीजन दिया गया, 77 शायद चला गया था मेरा लेवल। और फिर समझ आ गया था कि हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत जरूरत है क्योंकि मेरी आई वॉजंट गेनिंग कॉन्शियसनेस। तो अल्टीमेटली पूरे गुड़गांव में कुछ नहीं मिला तो एशियन में हमारी एक रिलेटिव है, उनका बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने बेड दिलवाया एशियन में। तो वहां पर पहुंचे और उसके बाद 27 अप्रैल को मैं एडमिट हुई थी और 26 मई को फिर मैं वापस घर आई थी। तो एक महीने में मैं 15 दिन तो ICU में थी और 15 दिन एक प्राइवेट रूम में। और यहीं पर ही मेजर सत्संग है कि कैसे गुरुजी ना मेरे साथ, मेरे अंदर ही मंत्र जाप चल रहा था। जबकि जिस दिन मुझे स्ट्रेचर से लेके एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे तब मुझे नहीं पता था, मैंने गुरुजी को मतलब इतनी कॉन्शियसनेस डिम हो गई थी कि मुझे, मैंने कुछ नहीं उनको याद किया ना उनसे कुछ कहा, मतलब उस लाइफ में थी ही नहीं। और इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी ही सिमरन भी वही करवाते हैं हमारे अंदर। वो मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं सिमरन करूं, मंत्र जाप चल रहा था, गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के आगे जो रॉकस्टार वाला स्वरूप है वो जैसे कि छप गया हो, मुझे वही नजर आ रहे थे। फिर मेरे बेड साइड के पास गुरुजी बैठे हुए थे, वो भी मुझे नजर आ रहे थे। और मैं गुरुजी से फिर जब कॉन्शियसनेस थोड़ी सी बेटर होती थी तो मैं गुरुजी से शब्द के बारे में ही बात करती थी, जैसे कि मैं शब्द याद कर रही हूँ और उनको बोल रही हूँ गुरुजी ये भी था। और गुरुजी ही उनके मीनिंग्स भी पता नहीं कैसे जैसे समझ आने लग गए। तो मैं बोलती थी अच्छा गुरुजी इसका ये मतलब है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वो जो ICU में थे दिन वो गुरुजी के साथ ही थे, मतलब कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं हो रही थी। और जब मैं डॉक्टर्स से पूछती थी कि डॉक्टर क्या है मेरी रिपोर्ट तो डॉक्टर्स तो बताते नहीं थे, वो सिर्फ यही पूछते थे हाउ आर यू फीलिंग। मैं बोलती थी आई एम फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट। यहाँ तक कि 4th डे को रात को मैंने किसी से फोन लेके मैंने ICU से बच्चों को भी फोन किया कि मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ा हुआ, आई एम परफेक्टली फाइन, जबकि माई रिपोर्ट्स वर नॉट ओके। मुझे पता नहीं था मेरी रिपोर्ट्स क्या बोल रही है, वो तो बच्चों को या डॉक्टर्स को ही पता था। खैर मतलब कि गुरुजी ने हाथों में लेकर वो इतना मुश्किल का टाइम ऐसे कष्ट कैसे काट दिया, बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और फिर 8 मई को मेरा टेस्ट नेगेटिव आया कोविड का और 21 मई को गुरुजी ने कहा था ना उर्वशी को कि तुम जाना मंदिर, तो वो हॉस्पिटल में ही मैं थी तो प्राइवेट रूम में, तो वो वहां से सुबह सुबह गुरुजी के मंदिर गई और गाड़ी में ही बैठ के उसने सारी जो भी प्रेयर की उसको जल प्रसाद भी मिला कि मम्मी को दे देना, और फिर वो प्रसाद मिला और गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी उसको गाड़ी में आई, तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी। और फिर मैं घर आ गई तो आई वॉज बेड रिडन, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बहुत वीकनेस थी। फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करके मैं ठीक हुई, आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ खड़े होके थोड़ा चलना, धीरे धीरे चलना शुरू हुआ।
सो इट वॉज एक्चुअली अ बिगनिंग. पूरी लाइफ नए नए तरीके से, बाल भी सारे धीरे धीरे चले गए थे, फिर अब दोबारा से आ रहे. तो और इसी जूम प्लेटफॉर्म पे मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, जिसमें वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उनसे कहा कि आज तेरी 13वीं सी. तो फिर मैंने वो काउंट किया 8th May से लेके 21st May, तब उसकी सिग्निफिकेंस समझ आ गई कि वो गुरुजी ने 20 में ही ब्लेस कर दिया था. उनको पता था, मतलब जानी जान और सब कुछ करने वाले. अब आप समझ रहे हैं संगत जी कि कैसे गुरुजी, उनको तो ड्रीम में आने के बताने की भी जरूरत नहीं है, बट वो शायद हमारा फेथ बढ़ता जाए. जैसे कि अब ये नई लाइफ मिली है तो हमको यही लगता है कि आपकी रजा में ही राजी रहेंगे गुरुजी, वी प्रॉमिस जो आप कहते हैं वैसे ही हम करें, आपका हुक्म में सदा चलें, ऐसी सुबुद्धि और ऐसी शक्ति देना भगवान. तो मतलब ही लीव्स अस स्पीचलेस, व्हाट मोर कैन यू से. तो इस नई जिंदगी का, दोनों मेरी बेटियों को भी कोरोना हो गया था मेरी वजह से, वो घर पर क्वारंटाइन थी, बहुत मुश्किल का टाइम था और मुझे नहीं पता था कि उनको भी कोरोना है. हॉस्पिटल भी वो बेचारी कोरोना में आती थी बिकॉज उसकी जान अटकी हुई थी कि मम्मी को क्या हो जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड के क्या हो सकता है पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस. तो गुरुजी ने इतनी मुश्किल टाइम से इतने प्यार से कटवा दिया. अब मोर देन अ ईयर हो गया एंड बीच में गुरुजी ने शुक्राना का सत्संग भी करवाया और घर पर मैंने खुद ही सारा लंगर भी बनाया. तो गुरुजी की बहुत शुक्र, क्योंकि इट्स अ मेजर थिंग. इतनी हिम्मत नहीं थी, बहुत थोड़ी सी संगत को बुला के गुरुजी का शुक्राना किया. और क्या बताऊं, सत्संग मैं बस आ गया चाहती हूँ गुरुजी से. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हर सांस, हर एक चीज का, हर बात का शुक्राना ही शुक्राना महाराज. और सब सरबत का भला करें. इतने मुश्किल के टाइम है, पूरी दुनिया भी और इंडिया भी, सब जगह बहुत प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी. जैसे आप हम सबके कष्ट काट देते हैं, ऐसे देश के भी और दुनिया के भी आप ही काट सकते हैं. सबको ब्लेस करें गुरुजी, हम सबको अच्छी रास्ते में, राह में डालें. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल, एवरीबडी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच. जय गुरु जी.